नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारा देश भारत गुलाम क्यों बना। आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले दिल्ली में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 12वीं शताब्दी में। उससे पहले ही गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तबाह किया था। सवाल है कि भारत गुलाम बना क्यों? भारत इतना महान देश जो सोने की चिड़िया थी, वो गुलाम क्यों बन गया, जबकि यहाँ इतना बड़ा इतिहास है सूरवीरों का। यहाँ अर्जुन, कृष्ण, राम, महारथी थे, हनुमान के देश को गुलाम क्यों बनना पड़ा? गीता, रामायण, महाभारत के देश में गुलामी को क्यों झेलना पड़ा? तो इसका जो एक लाइन में अगर बताया जाए तो इसका कारण था धर्म का पतन। धर्म का पतन इसका कारण था। धर्म का पतन हर जगह था एक समय में। भारत गुलाम बनना का सबसे पहला प्रयास अगर देखा जाए तो पर्शिया ने किया था। पारसी साम्राज्य जब था उस समय, वो नाकाम रहा। वो लाखों की सेना लेकर आए थे, सिर्फ 7 लोग जीवित गए थे पारसी सेना में से। कई 100 सालों तक कोई भारत गुलाम नहीं बनाने का प्रयास किया। सिवा सिकंदर आया। सिकंदर आया तो उसमें भी भारत की स्थिति बहुत ही डमाडोल थी, लेकिन उस समय भारत को गुलाम बनने से चाणक्य ने रोक लिया। और उन्होंने फिर ऐसी नींव रखी जिसके दम पर गुप्त साम्राज्य तक भारत गुलाम नहीं बना। गुप्त साम्राज्य जो 6ठी शताब्दी तक चली में थी, उसका पतन होने के बाद फिर कोई भी साम्राज्य यहाँ अच्छा नहीं था। सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे राज्यों में ये देश बटा हुआ था। सब अपने आप को भगवान मानता था। किसी को भारत को एकत्रित करके देश बनाने का चिंता नहीं था, जो कि चाणक्य ने किया था। उन्होंने वही समझाया था कि ये देश सबसे बड़ा है, पूरा भारतवर्ष, अफगानिस्तान से लेकर के आसाम तक जो फैला हुआ था। वैसा कंसेप्ट लुप्त हो चुका था एक बार फिर से। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है देश, अपने अपनी डींगे हाँकने के लिए लोग लगे रहते थे। हम बड़ा हैं, हम राजपूत हैं, तो हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो चौहान हैं, तो हम हो राठौर हैं तो वे हैं, हम जायसवाल हैं तो हम हरियाणवी हैं, तो हम ये हैं, तो हम गुजराती हैं, तो यही में लोग लगे हुए थे। और बड़ी मात्रा में युद्ध होती थी। युद्धों में हजारों लोग मारे जाते थे, लाखों लोग मारे जाते थे युवा, और लोग अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे रहते थे। अब जानते हैं कि अल्हा उदल कितना महान योद्धा यहाँ थे, लेकिन वो भी सिर्फ अपने में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने में वो लोग शहीद हुए। जबकि अगर अल्हा उदल उसी दौर में थे जब मोहम्मद गोरी ने यहाँ आया हुआ था, क्यों नहीं अल्हा उदल मोहम्मद गोरी से लड़ने गया था? तब लोग लड़ रहे थे तो यही कारण है कि ये देश गुलाम बना, क्योंकि यहाँ लोग देश के कंसेप्ट को भूल चुके थे और अपने अपने छोटे छोटे राज्यों को विस्तार में लगे हुए थे। और सिर्फ समस्या यहाँ नहीं थी, सबसे बड़ा बात है कि जो मंदिरों को जो पूजा का स्थान था, वहाँ भोग विलास होने लगा। देवदासियाँ वहाँ बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रहा करती थी। वो उन देवदासियों को वहाँ के हजारों पुजारी उपभोग करते थे।
तो जब देव स्थान ही अपवित्र हो गया तो उसको तो गिरना था ही, और वही हुआ। मंदिरों को तोड़ दिया गया क्योंकि वो मंदिर पाप करने के स्थान बनकर रह गए थे। मोहम्मद गोरी जो मोहम्मद गजनवी जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसने भी मंदिर में अकूट संपत्ति और बहुत ही खूबसूरत देवदासियों के लालच में ही आक्रमण किया था। तो यही कारण है कि ये देश गुलाम बन गया, यज्ञ होना ये सब बंद हो चुका था। कई सारे धर्म यहाँ थे, एक धर्म भी नहीं था, ना एक साम्राज्य था, ना एक देश था हमारा। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब धर्म यहाँ पनप रहे थे। कोई किसी से दबने के लिए तैयार नहीं था, सब अपने अपनी बंसी बजाते थे और अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे। तो यही है कि धर्म ही जब इतना पतन हो गया तो उसको तो मिटना ही था, क्योंकि धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म भी आपकी रक्षा करता है। लेकिन जब मंदिरों को ही आप भोग विलास बनाने का स्थान बना लेंगे तो यही होगा। यार इसी कंसेप्ट से खजुराहो का मंदिर भी बनाया गया था, इन्हीं पुजारियों का कंसेप्ट घटिया जो सोच था उसी के हिसाब से। ठीक है, चित्रकला तो वाला अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तो इस देश के गुलाम बनने का कारण वही था, धर्म का पतन। तो इस पर मैं फिर और भी चर्चा आगे करना चाहूँगा, इतिहास से हमें जरूर सीखना चाहिए, मैं ये भी कहूँगा। और अभी भी दुश्मन हजार लगे हुए हैं और देश बहुत ही डबाडोल स्थिति में है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।